और आइए अब खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको बताने वाले हैं कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, 18वीं लोकसभा के स्पीकर का आज चुनाव होना है। देखिए बड़ी अपडेट्स आपको दे देते हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए की तरफ से बीजेपी के सांसद ओम बिरला उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, नामांकन भी उन्होंने कल दाखिल किया है। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से भी कांग्रेस ने वरिष्ठ सांसद के सुरेश को उम्मीदवार बनाया है। 11 बजे सुबह आज स्पीकर पद के लिए वोटिंग होनी है। लोकसभा में संख्या बल सत्ता पक्ष एनडीए के पक्ष में। जाहिर तौर पर संख्या बल होने के चलते ही यहां सत्ता पक्ष के जो उम्मीदवार हैं, जो पिछली बार भी 2019 में भी लोकसभा स्पीकर पद की दारोमदारी कर चुके हैं, इस बार एक बार फिर से बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यही फैसला कि बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा स्पीकर के पद की फिर से ओम बिरला को दी जाए। अब देखिए जो विपक्ष ने मांग की, सत्ता पक्ष ने उस मांग को पूरा नहीं किया। डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष ने मांगा, जिसके ऊपर हामी सत्ता पक्ष ने नहीं भरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई जवाब नहीं दिया। इसी के बाद विपक्ष ने भी ये फैसला लिया कि उन्होंने ओम बिरला के खिलाफ के सुरेश कांग्रेस के सांसद हैं, आज चुनाव होना है और आज देखना ये दिलचस्प हो जाएगा 11 बजे जब वोटिंग होती है तो नतीजे क्या निकल कर आते हैं। तो भारत के संसदीय इतिहास में ये तीसरा मौका है जब लोकसभा स्पीकर को लेकर चुनाव होगा। एनडीए गठबंधन की ओर से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बनने को तैयार किया गया है, जबकि कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर पद के लिए 8 बार के सांसद के सुरेश को प्रत्याशी बनाया है और इसी बात को लेकर अब जंग छिड़ चुकी है। अगर आप बात करते हैं ओम बिरला और के सुरेश की, तो देखिए दोनों के बीच में ये मुकाबला आज होना है। ओम बिरला बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं तो के सुरेश केरल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं। ओम बिरला 2019 में भी स्पीकर बने थे, के सुरेश 2012 से 2014 तक केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं। ओम बिरला दूसरी बार स्पीकर बन सकते हैं तो वहीं के सुरेश 1989 में पहली बार सांसद चुने गए थे। ओम बिरला कोटा के बूंदी से 3 बार के सांसद हैं, इस बार भी उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की है। और वहीं के सुरेश केरल के मवेलीकारा से 8 बार के सांसद है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुमत का नंबर ओम बिरला के पास है, जबकि के सुरेश के विपक्ष की तरफ से जो उनको उम्मीदवार घोषित किया है, नामांकन भी उन्होंने दाखिल किया है, यहां पर चुनौती देने के लिए जरूर ओम बिरला के सामने मौजूद रहेंगे। बीजेपी को मैसेज दिया जा रहा है कि देखिए इस बार विपक्ष भी अपने कड़े और तीखे तेवर के साथ सदन में अपनी मौजूदगी हर बार इसी तरह दर्ज कराएगा। देखिए रिपोर्ट। पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन यह है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो, हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। लोकतंत्र के मंदिर का स्पीकर कौन होगा? किसके आदेश के बिना लोकसभा में पत्ता भी नहीं हिल सकेगा, इसका इंतजार एनडीए के साथ पूरे इंडिया गठबंधन को है, क्योंकि इस बार हर बार की तरह सर्वसम्मति से स्पीकर नहीं चुना गया है और चुनाव के जरिए इसका फैसला किया जाएगा। बताइए आज दिन तक कभी भी लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कंडीशनल होता है क्या? कंडीशन के साथ होता है क्या? डिप्टी स्पीकर तय करो तब हम स्पीकर में तुम्हारे को मदद करेंगे। और ये कौन कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में तेलंगाना में स्पीकर भी अपना बनाया है और डिप्टी स्पीकर भी अपना बनाया है। स्पीकर पद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आम सहमति नहीं बनी। सत्ता पक्ष ने ओम बिरला को स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाया है तो वहीं विपक्ष ने के सुरेश को इस पोस्ट के लिए अपने प्रत्याशी बनाया है। ओम बिरला बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, के सुरेश केरल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं।
ओम बिरला 2019 में भी स्पीकर बने थे। के सुरेश 2012 से 14 तक केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। ओम बिरला दूसरी बार स्पीकर बन सकते हैं। के सुरेश 1989 में पहली बार सांसद बने। स्पीकर पद के लिए दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है, यानी अब लोकसभा स्पीकर के लिए कल वोटिंग होनी है। पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। यहाँ तक खरगे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। यहाँ तक खरगे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। दरअसल विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पद की डिमांड कर रहा था, और इसी के बाद ये तकरार भी शुरू हो गई। कांग्रेस का कहना है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा है, हालांकि बहुत साफ तौर पर एनडीए के साथ है। पर इस पूरी तकरार के बीच सवाल ये है कि सरकार और विपक्ष के बीच सदन की पहली टक्कर किसका होगा डिप्टी स्पीकर। कांग्रेस पार्टी ने अगर स्पीकर पद को चुनौती देने के लिए नामांकन पत्र बढ़ाया है तो ये अफसोस की बात है, क्योंकि आज तक स्पीकर पद को लेकर के चुनाव नहीं हुआ है। और जब बात किया, कांग्रेस के नेता आए थे और माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी और एनडीए के सारे लीडर्स हम लोग सब थे वहाँ। कांग्रेस के नेता ने आकर के कंडीशन लगाया कि आप डिप्टी स्पीकर पोस्ट देने से तब हम स्पीकर को समर्थन करेंगे। इंडिया ब्लॉक ने भी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। नहीं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो अगर अपना स्पीकर चुना है तो अच्छी बात है। यानी अब सारा खेल नंबर का है, क्योंकि जिस तरह लोकसभा चुनाव के परिणाम एनडीए के पक्ष में आए हैं, कुछ ऐसी ही तस्वीर लोकसभा स्पीकर के चुनाव की देखने वाली है। इसके बावजूद बिना लड़े विपक्ष पीछे हटने के मूड में नहीं है। मोदी के साथ 293 सांसदों का दम है, तो राहुल गांधी के साथ 233 सांसद है, और अदर 16 सांसद फिलहाल किसी के साथ नहीं है। अब एनडीए और इंडिया गठबंधन की नज़र उन 16 निर्दलीय सांसदों पर है जो एनडीए को 300 पार और विपक्षी गठबंधन को मुकाबले में बनाए रख सकते हैं, जो बेहद ही रोचक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और ये आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता घोषित किए गए हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में ये फैसला लिया गया है। बैठक के बाद कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये जानकारी दी है। कांग्रेस संसदीय दल के नेता ने प्रोटेम स्पीकर को चिट्ठी लिखकर जानकारी भेज दी है। इससे पहले आपको बताएं कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी को प्रतिपक्ष का भी नेता बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। कांग्रेस के कई नेताओं ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग की थी। अब राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में लिए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। राहुल गांधी यूपी के रायबरेली के सांसद हैं। प्रोटेम स्पीकर बतवरी महताब इन्फॉर्मिंग द डिसीजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ राहुल गांधी एज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। अदर ऑफिस बेयरर्स विल बी डिसाइडेड लेटर, दैट्स ऑल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि कांग्रेस और विपक्ष के एक एक नेता और कार्यकर्ता की चाहत पूरी हुई है। हर कांग्रेसजन, हर लोकसभा के सदस्य की आवाज सुनी और नेता विरोधी दल पद स्वीकार किया। नेता विरोधी दल के रूप में अब आपको प्राथमिकता मिलेगी। आप जब चाहे नेता सदन की तरह सदन में मुद्दे उठा सकते हैं, आप बोल सकते हैं। जनता की आवाज को जो कुचलने की कोशिश सरकार करेगी उस पर आप
एक निर्भीक आवाज आपकी गूंजेगी। नेता विरोधी दल के रूप में आपको यह भी अधिकार होगा कि आप उन सारी समितियों में सदस्य के रूप में बुलाए जाएंगे जहां चयन होता है देश के सर्वोच्च संवैधानिक तमाम पदों का।